रुद्रपुर में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर 15 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाएगा। इसकी तैयारी को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। कार्यक्रम के सफल आयोजन को लेकर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई। इस दौरान संयोजक हिमांशु शुक्ला के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपते हुए उसका पूरी निष्ठा से निर्वहन करने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम की तैयारियां शुरू हो गई है। पूरे प्रदेश में 5 स्थानों पर यह कार्यक्रम रखा गया। आज 9 तारीख को पिथौरागढ़ में सुशासन युवा महोत्सव का कार्यक्रम है, 14 तारीख को अल्मोड़ा में कार्यक्रम है, उसी कड़ी में 15 तारीख को रुद्रपुर में कंचनतारा में सुशासन युवा महोत्सव के नाम से कार्यक्रम ये रखा गया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने किस तरीके से पूरे देश के अंदर एक सुशासन का एक वातावरण बनाया, उसको लेकर हमारे सम्मानित अतिथि युवाओं को बताएंगे, उनका मार्गदर्शन करेंगे। और अटल बिहारी वाजपेयी जी को नरेंद्र मोदी जी के जो युवाओं की तरफ से एक कार्यक्रम आया पूरे प्रदेश में जो 5 लोकसभाओं में हो रहा है, सुशासन युवा महोत्सव, जो अटल जी का सपना था देश को आगे ले जाने का, जो अंतिम छोर के व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचे, आज उसके तहत अटल जी ने कई कार्य किए। निर्वाध रूप से अटल जी हमारी पार्टी के सर्वोच्च नेता थे, पार्टी को खड़ा करने में उनका अहम रोल है। तो हम सभी की जिम्मेदारी बनती है भाजपा के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को कि आज के दिन हम उनके त्याग के उनके समर्पण को ना भूलें। उनके द्वारा जो कार्य किए गए थे, सर्वशिक्षा अभियान, सारे मदरसों में कंप्यूटर लगाने का, परमाणु निरीक्षण, उनकी सारी इच्छा शक्ति को बताता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उनके द्वारा चलाई गई, तो जितने भी कार्य किए गए थे अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुँचाने गए, अटल जी ने पार्टी को खड़ा किया है, पार्टी को बनाया है। और मोदी जी रुद्रपुर से राजकुमार चंद्रा की रिपोर्ट।